यहाँ से जो है आगरा का जो सांसद का चुनाव लड़ी श्रीमती पूजा अमरोही जी, वो भी पूरा मतलब जो उपस्थित है आपके प्रविजन के साथ में इस समय दुख की घड़ी में बहुजन समाज पार्टी आपके साथ खड़ी है। जी जी पूरा पूर जोर से अभी यहाँ सीओ साहब से हमारी पूरी टीम ने बात की, उसके बाद में एसओ साहब के पास जा रहे हैं, उसके बाद में कमिश्नर साहब के पास, मतलब पूरा हमारा बहुजन समाज पार्टी पीड़ित के परिवार के साथ है हर एक तरह से। निर्मम हत्या होती है अकारण, जानकारी किस तरह होगी तमाम पहलू बीच में आएंगे, जांच के दौरान जब होगा खुलासा होगा तो। लेकिन यहाँ के क्षेत्रीय निवासियों को पूरे तरह से आश्वासन है कि पुलिस प्रशासन उनके साथ है। शैलेंद्र बक्कर की रिपोर्ट, समतावज न्यूज। मैं हूं शैलेंद्र बक्कर, आगरा उत्तर प्रदेश रावलखेड़ा क्षेत्र, जहां पर एक बहुत ही विभत्स दुर्घटना हुई, एक युवक को गोली मार करके हत्या कर दी गई। अब इसके बारे में जानते हैं, यहां पर बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हुए हैं, यहां पर तमाम लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं, उनसे जानते हैं ये क्या वाक्य हुआ। सर क्या घटना थी सर? ये एतमादपुर विधानसभा में रावलखेड़ा एक बौद्ध कथा का आयोजन क्षेत्रीय निवासियों ने किया था और उस आयोजन के उपरांत रात्रि को जो नौजवान थे सो रहे थे, उनमें से एक नौजवान जिनका नाम राजा बाबू है, उम्र लगभग 21-22 वर्ष, उसको गोली मार के उसकी नृशंस हत्या की गई है। तो इस संदर्भ में हम लोग आए हुए हैं और हमारी पार्टी की मुखिया माननीय बहन जी का निर्देश हुआ कि घटनास्थल पर जाकर के पूरी रिपोर्ट हमको भेजें। तो आज हमने प्रशासन से भी यही कहा है, पुलिस प्रशासन से, कि धार्मिक स्थल पर ऐसी घटना हो जाना लोगों में शक और संदेश शक पैदा करता है और ये संदेश भी जाता है कि हमारे जो आयोजन हैं उसमें लोग विघ्न डालने का काम भी कर रहे हैं, इसलिए हत्या की गई है। जल्द से जल्द इसका खुलासा हो। बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा माननीय बहन जी के द्वारा आदेश निर्देश हुआ, जब यहाँ पर घटना पर लोग आए, बसपा के सभी संगठन के लोग आए। मैं जानता हूँ मृतक के परिवारजनों से कि ये किस तरीके से क्या नाम आपको ये जानकारी कब मिली? हमारे पास तो फोन पहुँचा, हम तो उनकी माई हैं, रिश्तेदार। तो तमाम जांचों के बाद पता चलता है, जांचों के बाद पता चलेगा कि एक सामाजिक धार्मिक स्थल पर इस तरह की घटना होती है जिसके नकाब। समतावास से शैलेंद्र बक्कर की रिपोर्ट।
में कमेटी के लोग नई नई उम्र के लोग बच्चे थे जो है 12 लोग, दो बुजुर्ग थे वो भी सो रहे थे, 12 ये थे और कुछ दो तीन लोग टेंट वाले अपना साइड में सो रहे थे। ये बच्चा ऊपर मंच पर सो रहा था जो है, सोते टाइम जो है ये बच्चा अपना मोबाइल चला रहा था, तो साथियों ने पूछा कि अब सोना नहीं है क्या, तुम सो, तो ये सो गए हैं। अब पता नहीं मोबाइल कितनी देर तक चलाए, ये रात्रि लगभग कितने बजे तक की घटना, ये 12 बजे के आसपास की घटना है। ये हुआ कैसे, किस तरीके से ये घटना, किसने अंजाम दिया? ऐसा है, इस विषय में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये जैसे ही इसके गोली लगी है बच्चे के, तो अपने साथियों से ये रोया चिल्लाया है कि मुझे बचाओ और जल्दी ले चलो, तो जो साथी थे उन्होंने तुरंत इसको, वो होपलेस हो गए और उनमें से दो बच्चे तो बेहोश हो गए। होपलेस होने के बाद में तुरंत जो है गाड़ी की व्यवस्था करके तुरंत ये आगरा ले गए हैं हॉस्पिटल। एक युवक की निर्मम हत्या कर दी जाती है, मैं पूछना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा आप किस प्रकार का आपको सहायता देने की बात आ रही है, किस तरह की जांच की बात आ रही है, बताएं। पुलिस डिपार्टमेंट चौकी प्रभारी से लेकर के सीओ मैडम वगैरह पूरा एसओ वगैरह सब आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम शाम तक जिसने ये इस घटना को अंजाम दिया है उसको हम पकड़ के दिखा देंगे, और मृतक के परिवार के लिए जो संभव सहायता होगी, मदद होगी, वो मदद होगी वो करवाएंगे। साथ में हमारे बहुजन समाज पार्टी के पूर्व मंत्री, SC ST आयोग के चेयरमैन, जिलाध्यक्ष, पूरी आगरा की टीम और हमारी यहाँ से जो है आगरा का जो सांसद का चुनाव लड़ी श्रीमती पूजा अमरोही जी, वो भी पूरा मतलब जो उपस्थित है आपके प्रवेजन के साथ में, इस समय दुख की घड़ी में बहुजन समाज पार्टी आपके साथ खड़ी है। जी जी, पूरा पूर जोर से अभी यहाँ CO साहब से हमारी पूरी टीम ने बात की, उसके बाद में SO साहब के पास जा रहे हैं, उसके बाद में कमिश्नर साहब के पास, मतलब पूरा हमारा बहुजन समाज पार्टी पीड़ित के परिवार के साथ है हर एक तरह से। निर्मम हत्या होती है अकारण, जानकारी किस तरह होगी, तमाम पहलू बीच में आएंगे जांच के दौरान, जब होगा खुलासा होगा तो। लेकिन यहाँ के क्षेत्रीय निवासियों को पूरे तरह से आश्वासन है कि पुलिस प्रशासन उनके साथ है। शैलेंद्र बाबकर की रिपोर्ट, संतोष न्यूज़।